Hey guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Nilofer and you're watching me on Fat to Fabulous. Hope you all are doing good and great. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सॉल्ट फ्री रेसिपीज़ जो सॉल्ट फ्री डे पे आप कर सकते हो. मुझे बहुत डिमांड आती है कि मैं कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँ जो सॉल्ट फ्री डे पे आप बना के खा सको. तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में सिर्फ रेसिपीज़ ही शेयर करूँगी. आप इन रेसिपीज़ को अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर डिनर किसी में भी ले सकते हैं. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाने वाले हैं सत्तू से कुछ. तो ये आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो और लंच के लिए भी, ये परफेक्ट रेसिपी है. तो इस बॉटल में मैंने डाला है 1 स्पून ऑफ सत्तू. ये चने का सत्तू आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा. इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ ठंडा बिस्लरी वाटर और इसको डाल के हम अच्छे से करेंगे शेक शेक शेक. और आप इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कितना पतला चाहिए कितना थिक चाहिए तो ये आप पे डिपेंड करता है. तो मैंने यहाँ पर हाफ बॉटल डाल दी है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं पसंद करती और ना ही बहुत ज़्यादा थिक पसंद करती हूँ. तो इस तरह से हमने डाल दिया है और इसको अब कर लिया है शेक शेक शेक. और उसके बाद क्या करना है आप यहाँ देख सकते हो. यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी जो मैंने कट की हुई थी कुछ वेजीज़ में मैंने क्या कट किया था, खीरा, प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, वो मैंने इसमें ऐड करी है. इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा. वैसे यहाँ पे मैंने चाट मसाला रखा है. जिन लोगों को सॉल्ट फ्री डे पे नहीं बनाना है, ये ऐसे ही बनाना है, तो वो तो इसमें ये सारी वेजीज और लेमन आप ऐड कर सकते हो. लेमन ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा और आपको सॉल्ट की भी कमी महसूस नहीं होगी. तो देखिए ये हमारा ड्रिंक्स हो गया है रेडी पीने के लिए. तो उसके बाद अभी बात कर लेते हैं, लोग स्नैक्स के बारे में पूछते हैं. तो सबसे अच्छा स्नैक्स मैं जो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर वो है, ये है चने. आप भुने चने ले सकते हो स्नैक्स टाइम में, साथ ही साथ आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो अपने स्नैक टाइम पे. यहाँ पर मैंने आपको ऑरेंजेस दिखाए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए. आप इवनिंग में या फिर जब आप आफ्टर ब्रेकफास्ट जो आपका मील होता है उसमें आप ये संतरे भी ले सकते हो. तो विटामिन सी का सोर्स है. साथ ही साथ इसमें आपको लेमन ऐड नहीं करना है इस टाइम पे और ना ही सॉल्ट ऐड करना है. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ. तो रेसिपी यहाँ पर हमने ले ली है सेमोलिना, जिसे सूजी बोलते हैं. तो सूजी ये मैंने स्टील के एक बाउल में ली हुई है और इसमें अभी हम ऐड करेंगे दही. जी हाँ, कर्ड ऐड करना है. इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और रख देना है थोड़ी देर के लिए, जिससे कि सोक कर ले अच्छा सा. मतलब सूजी ना वाटर को और दही को अच्छे से सोक कर ले. थोड़ा सा वाटर मैंने ऐड किया है. अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा मतलब हैंकर्ड ना हो, वाटरी हो, तो आप इसमें पानी ऐड ना करें. इसको अच्छे से मैंने देखिए घोल बना लिया है और थोड़ी देर के लिए रख दिया था. तो सूजी ने ऐड कर लिया है सारा वाटर और उसके बाद थोड़ा सा वाटर और डाल के मैंने इसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में कर लिया है. साथ ही साथ इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी हल्दी. आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं की है. मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है. साथ ही साथ ये वेजीज़ हैं जिसको हम अलग रखेंगे. और ये मेरी मॉर्निंग का वीडियो है, मैंने इसको एक बार शूट किया था तो मेरी चाय वगैरह आपको दिखेगी, तो उसको माइंड ना करें. यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, इसमें ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छे से रिस्क कर लिया है. तवे को अच्छे से गर्म करेंगे और जैसे हम डोसा बनाते हैं या चीला बनाते हैं उसी तरह इस बैटर को डाल देंगे. साथ ही साथ अब इसके ऊपर हम ये सारी वेजीज ऐड कर देंगे. मिक्स करके भी आप डाल सकते हो, बट ऐसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. ये उत्पम का फील लाता है और लाइक उत्पम ही है ये, और ये बहुत यमी लगता है. इसमें सॉल्ट ऐड ना करें. आपको सॉल्ट की क्रेविंग नहीं होगी जब आप इस तरह से अच्छा सा कुछ खाते हो, पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही टेस्टी सा लगेगा. आप चाय के साथ इसको ले सकते हो, लंच में लोगे तो भी चाय ले सकते हो. चाय बस आपको क्या करनी है कि स्किम्ड मिल्क ही होनी चाहिए और विदाउट शुगर होनी चाहिए. तो इस तरह से आप बना सकते हो. और देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ फिर एक और ऑप्शन जो आप अपने सॉल्ट फ्री पे ले सकते हो, ये है पपाया. और ये आप अपने मिड मील स्नैक्स में ले सकते हो. अब हम आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी पे. इसमें भी हमने कर्ड लिया है, बहुत ही सिंपल सी है. इसमें तो कुछ ही नहीं करना आपको, बस कर्ड लेना है और खीरे को अच्छे से इसमें पूरा एक बड़ा खीरा अच्छे से इसमें कद्दूकश कर लेना है.
और इसका कचूमर सा बनाना है दही के साथ ऐड करके, सॉल्ट ऐड नहीं करना है और बस थोड़ा सा वाटर चाहो तो ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हो। ये भी लंच का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो मैं ज़्यादातर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में, यम्मी सा होता है। चाहो तो रोटी के साथ खा सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे भी एक बाउल भर के खा सकते हो। इसमें टमाटर ऐड कर सकते हो, प्याज ऐड कर सकते हो, बट मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है तो ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और एक और ऑप्शन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी फैमिली में मीन्स दो तीन लोग हैं उनके लिए पूरी थाल सजाई है। ये फ्रूट्स हैं, आप इस तरह से फ्रूट्स को कट करके लंच में ले सकते हो। अब एक अनदर ऑप्शन है हमारे पास, इसमें देखिए मैंने थोड़ी सी वेजीज कट करके रखी है और पनीर को, टोफू पनीर है उसको भी कट करके रखा है। ये आप डिनर में बना सकते हो। यहाँ प्याज है, टमाटो है, शिमला मिर्च है, ग्रीन चिलीज हैं, बीन्स हैं, और भी आप और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। कढ़ाई में बहुत ही लेस ऑयल डालना है, मीन्स नाम मात्र को तेल डालना है। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो या कोई और ऑयल जो आप यूज़ करते हो वो ले सकते हो। तो इसमें हमें क्या करना है, सारी वेजीज को डाल के सॉटे करना है और सॉटे भी ऐसे करना है कि उसकी क्रंचीनेस ना जाए। हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है ना प्याज को ना शिमला मिर्च को या किसी भी वेजीज को, हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस क्रंची सा रखना है। तो देखिए प्याज हो गई है, ट्रांसलूसेंट होने वाली थी, उससे पहले ही मैं इसमें और चीज़ें डाल दूँगी क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा कच्चा प्याज नहीं खा पाते हैं तो उनको थोड़ा सा अगर वो चाहें तो पिंक सा कर ले। उसके बाद ये सारी वेजीज मैं ऐड कर दूंगी वन बाय वन और देखिए ये इस तरह से इतना ग्रीन सा सैलड दिखता है ये, और ये खाने में भी बहुत ही आसानी से खा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना आप रॉ वेजीज नहीं खा पाते, बट इस तरह से सॉटे करके आपको खाने में मज़ा आता है और बहुत ही ये बहुत ही क्रंचीनेस लाती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इसको अच्छे से सॉटे करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कॉर्न। जी हाँ, अभी इस डिश को टेस्टी बनाने के लिए मैंने कॉर्न भी ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ एक मसाला जाएगा, वो होगा ब्लैक पेपर हमारा, और सॉल्ट तो हमें डालना नहीं है तो हम इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और इसको मैं अभी और दो तीन सेकेंड के लिए चलाऊंगी। और इसके बाद इसमें मैंने देखिए ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप सॉल्ट फ्री डे में ये बनाते हो तो सॉल्ट भी ऐड करो तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी सा बहुत ही यम्मी लगता है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया है सैलड सा। अब इसमें हम हमारा जो टोफू पनीर है उसको ऐड कर देंगे टुकड़ों में करके। ये मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, आप अपने क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये हमारा रेडी हो गया है सैलड बन के, अभी मैं इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ आप चाय ले सकते हो या जैसे भी खाना चाहो, अगर डिनर में खा रहे हो तो साथ में आप दही ले सकते हो, अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो इसको आप इंजॉय कर सकते हो कभी भी, लंच में भी और अपने डिनर में भी और ब्रेकफास्ट में भी चाहो तो ले सकते हो। तो मुझे ये ऑप्शन हमेशा से ही पसंद है, इसमें हमें प्रोटीन भी मिल जाते हैं, ग्रीन वेजीज भी मिल जाती है, फाइबर भी होता है, थोड़ा सा ऑयल भी है तो फैट भी मिल जाता है। तो बहुत ही मतलब अच्छी सी डिश है। उसके साथ खीरा मैंने लिया है, खीरा हम साथ में सॉटे नहीं कर सकते थे, मुझे वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसको अलग से लिया है। तो देखिए कितनी ग्रीन सी मेरी प्लेट है और ये कसम से बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा और फिर आप हमेशा इसको बनाने की सोचेंगे। बस सॉल्ट ऐड नहीं करना है, सॉल्ट फ्री डे में हमें कोई भी किसी भी रेसिपी में सॉल्ट ऐड नहीं करना है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, वो भी बहुत ही प्रोटीन रिच है। यहाँ पर हमने लिए हैं मशरूम्स, मशरूम को साफ करके कट कर लिया है। हम बनाने जा रहे हैं मशरूम ऑमलेट, और मशरूम ऑमलेट आप लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट कभी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बटर का यूज़ किया है, थोड़ा सा बटर लिया है तवे पे, और उसमें हम क्या करेंगे, मशरूम्स को फ्राई करेंगे क्योंकि ऐसा करने से ये बहुत ही टेस्टी लगने लगते हैं। और इसको थोड़ा सा हम मींस गला लेंगे, थोड़ा सा पक जाएगा, उसको हम फिर ऑमलेट में ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने जो वेजीज ली हैं देख लीजिए, यहाँ पर खूब सारा हरा धनिया है, प्याज है, शिमला मिर्च है, आप बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इन सबको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक एग और इस एग को इसमें विस्क कर लेंगे अच्छे से, खूब अच्छे से फेंटना है, और फेंट के फिर हमें इसका क्या बनाना है, इसका बनाना है हमें ऑमलेट, और हमें इसमें नमक ऐड
नहीं करना है। दूसरी साइड पे हमने अपने ये मशरूम्स निकाल लिए हैं फ्राई करके, ये बहुत यम्मी लग रहे हैं, टेस्टी से। अब हम पैन में अपना ये अंडे का जो बैटर है इसको डाल देंगे, ठीक है। तो उसको डालने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैटर मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से फैला लेंगे। और जब ये थोड़ा पकने लग जाएगा, ठीक है, जब ये पकेगा तो इसमें हम क्या कर देंगे ऐड, इसके ऊपर हम सारे मशरूम्स अपने ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बीच में मशरूम्स आ गए, अच्छे से पका लिया है और उसके साथ मैंने एक ब्रेड ली है। अभी आ जाते हैं एक और रेसिपी पे, बहुत सारी रेसिपीज़ दे रही हूँ आज आपको मैं। यहाँ पे हमने लिया है घिया, थोड़ा सा बेसन, एक हरी मिर्च। अब क्या करना है, घिए को हमें किस लेना है, ठीक है, कद्दूकश कर लेना है इसको अच्छे से। और बेसन को हमें क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो लौकी को मैंने लेना है, कद्दूकश कर लिया है, साथ में बेसन है। अब हमें इस लौकी को क्या करना है, बेसन में डाल देना है और इसका जितना भी वाटर कंटेंट है वो भी उसमें ले लेना है, मतलब जो भी आप निचोड़ सकते हो वो निचोड़ लो इसमें। और लौकी का मतलब पूरा पानी जो होता है ना वो इस बेसन में आ जाएगा। आपको पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। चिली भी मैंने ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड नहीं करूँगी इसलिए सिर्फ गरम मसाला ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद क्या होगा ना, इसमें वाटर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो थोड़ी सी डाल सकते हो आप। और उसके बाद हमें ये बैटर, देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि थोड़ा सा मोटा बनेगा क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा लौकी डाला हुआ है। तो इस तरह से ये यहाँ पे पैन पे आ जाएगा। और अब इसको हम अलट पलट कर लेंगे, जैसे हम अपना चीला बनाते हैं, नॉर्मल चीला वैसे ही बनाएंगे। बस ध्यान ये रखना है जब बेसन में आप लौकी को मिक्स करोगे तो वाटर कंटेंट का ध्यान रखना है क्योंकि लौकी भी काफ़ी पानी छोड़ेगी। उसके साथ ही थोड़ा सा पानी बस ऐड करना है, बहुत ही मीन्स कहते हैं ना लिक्विड नहीं होगा ये, थोड़ा सा मोटा ही बनेगा। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया। इसको आप सॉस के साथ खा सकते हो, बट सॉल्ट फ्री डे पे सॉस के साथ नहीं खा सकते। मैंने चाय ली है, आप भी चाय ले सकते हो बट स्किम्ड मिल्क और विदाउट शुगर के साथ। तो ये भी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी पे आने वाले हैं हम लोग, बट मैं आपको बता दूँ ये रेसिपीज़ आप कभी भी ले सकते हो। ब्रेकफास्ट के लिए आप चूज़ कर सकते हो, लंच के लिए चूज़ कर सकते हो या डिनर के लिए। और ये पूरी तरह से जितनी भी मैंने दिखाई हैं रेसिपीज़ वो हेल्दी हैं, बहुत सारी वेजीज़ हैं, प्रोटीन है, तो ये आप कभी भी ले सकते हो। अभी आ जाते हैं एक सैंडविच बनाने पे। सैंडविच बनाने के लिए हमने ब्राउन ब्रेड लिया है, थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है, सिंपल पनीर लिया है, उसको मैश कर लिया है। साथ में मैंने लिया है कैप्सिकम और यहाँ पर लिया है मैंने प्याज। अब इन सारी चीज़ों को हम फिलेट कर देंगे और इसको अपना ब्रेड में फिल करने के बाद इसको तवे पे घी में या फिर आप बटर में इसको अच्छे से बेक कर सकते हो। साथ ही साथ एक और जंबो ब्रेड आती है, ये हमारे यहाँ मल्टीग्रेन ब्रेड आप इसको कह सकते हो, सबवे स्टाइल। तो इसके लिए भी मैंने पनीर लिया है, ये आप डिनर में या लंच में ले सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शन है। बट पूरा नहीं खा पाओगे, बहुत बड़ी ब्रेड थी, मैं भी नहीं खा पाई। तो इसमें हमें क्या करना है, इन वेजीज़ को पहले हमें कर लेना है सॉटे। सॉटे करने के बाद हम क्या करेंगे कि अभी हम क्या करेंगे कि पनीर मैंने देखिए एक स्लाइस सा काट लिया है, पतला सा स्लाइस लिया है। और ये सारी वेजीज़ हैं जो इसमें आपको देखा, सारी ग्रीन ग्रीन चीज़ें दिख रही होंगी, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च, हरा धनिया है, टमाटोज़ हैं, प्याज हैं। तो ये सारी चीज़ हम खूब अच्छे से यूज़ करेंगे, खूब सारा यूज़ करेंगे। आप इन्हें चाहो तो ऐसे ही फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं क्या कर रही हूँ इसको हल्का सा सॉटे कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रंचीनेस रहेगा। और पनीर को भी इसमें ऐड कर दिया है, बस दो तीन बार इसको सॉटे करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको इस ब्रेड के अंदर अच्छे से फिल कर देंगे। और ब्रेड को भी आप चाहो तो बेक कर सकते हो, वैसे मैं बेक नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही इसको खाऊँगी। तो ये देखिए वेजीज़ अच्छे से बेक हो गई हैं हमारी। वेजीज़ को बेक होने के बाद इस सैंडविच में हम फिलेट कर लेंगे सारी वेजीज़ को और उसको ले लेंगे, साथ में चाय ली है। और इस तरह से मेरी ये लंबा वाला सैंडविच बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी सॉल्ट फ्री रेसिपीज़। आपको कैसी लगी है रेसिपीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।